और ये गुरु परंपरा कितनी पुरानी है पता है आपको? सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अश्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। भगवान शंकर के चरित्र को सुन रहे थे, कितने पुराने हैं भगवान शंकर, कोई आदि नहीं है, कोई अता पता नहीं है, कहां से जन्म हुआ किसी को नहीं पता, अजन्मे हैं। और तभी से ही ये गुरु परंपरा प्रारंभ हुई, शंकराचार्य मध्यमाम शंकराचार्य जी के द्वारा होते हुए हमारे गुरुदेव पर आकर ये परंपरा रुकी, उनके द्वारा हम सब दीक्षित हुए। उसी प्रकार से लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ या मुनि मध्यमा अश्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। भगवान नारायण से प्रारंभ होकर विगत गुरुओं के पास ये परंपरा पहुंची है। जितने पुराने सूर्य नारायण हैं, जितनी आयु सूर्य की है, जितनी आयु भगवान शंकर की है, जितनी आयु भगवान नारायण की है, उतनी आयु हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा की है। रामचरितमानस खोल के देखिए, भगवान श्री राम भी गुरु परंपरा से दीक्षित हैं। श्रीमद् भागवत खोलिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु का ध्यान किया, उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण करी, शिक्षा भी ग्रहण करी उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में। दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी हुए। उसी प्रकार से जो जीव मनुष्य का जीवन पाने के बाद गुरु धारण नहीं करता है, उसका जीवन पशु के ही समान है। गुरु बिन भवनिद तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। भगवान शंकर ब्रह्मा ये सब भी चाह लें तो भवसागर से पार नहीं करा सकते जब तक गुरुदेव की कृपा जीव पर नहीं होती। जिस दिन हम गुरु दीक्षा लेते हैं उस दिन हमारा भगवान के यहाँ पर एक अकाउंट खुल जाता है और उस अकाउंट में हम भगवान के नाम रूपी धन को इकट्ठा करने लगते हैं। क्योंकि जब मृत्यु होती है तो यहाँ से ये शरीर भी साथ नहीं जाता, ये भी जलकर यहीं राख रह जाता है। साथ जाता है तो सिर्फ हमारा भजन ही हमारे साथ जाता है, हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ हमारा नाम ही हमारे संग जाता है।